हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बिल्कुल, किसकी किसकी तरह? मेरी तरह, ठीक है। तो लास्ट अपने कहाँ तक बात किया था? किंगडम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, सारे किंगडम के बारे में स्टडी किया था। तो आज अपन ने नया टॉपिक शुरू करते हैं, फंजाई। ठीक है, फंजाई को अपन पहले क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अपन इसको इजी वे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो फंजाई को अगर कैसे इसको क्या अपना स्ट्रक्चर रहेगा इसको पढ़ने का, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फंजाई का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद में उसकी हैबिटेट, फिर उसके बाद में उसके स्ट्रक्चर, फिर न्यूट्रिशन, देन उसके बाद में अपन फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रो के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंजाई क्या है? एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो फंजाई किंगडम है वो एक यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं तो फंजाई इज यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं तो फंजाई क्या है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे फंजाई प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, मतलब एक छोटे से अपने घर में से घर से लेकर के और पूरी दुनिया के अंदर ये फैली हुई होती है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन अपन इसको बोल सकते हैं। और बहुत सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है इसके अंदर, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अपन बोल सकते हैं कि ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी किंगडम की होती है, फंजाई की होती है। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन इसके फंजाई के। जो ज्यादा कुछ याद नहीं करना, अपन जो बेसिक एनसीईआरटी के अंदर है सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद में अगर कोई रह जाता है तो अपन उसको बाद में करेंगे उसको। तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा कि बात करें यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या जाएगा कि जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आ जाएगा अपने पास में शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी का मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अपन देखने को मिलेंगे फंजाई के अंदर। हैबिटेट का मतलब आ जाएगा जहां पे वो सर्वाइव करती है, कौन से कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव करती है, कौन से कंडीशन के अंदर वो सर्वाइव नहीं करती है, कहाँ पे बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है, ऐसे। ठीक है, फिर अपने पास अपन नेक्स्ट लेते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो जाएगा सब जगह पे फैली हुई। बताया कि अपने घर से लेकर के ऐसी कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे फंजाई नहीं प्रेजेंट होती, तो कॉस्मोपॉलिटन का यही मतलब होता है कि प्रेजेंट एट वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे फंजाई ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए अपने पास में, तो ये अपन एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड आ जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें एक वर्ड एक लाइन और यहाँ पे, जो फंजाई होती है वो मोस्टली अपन सभी को तो नहीं बोल सकते, पर मोस्टली फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने पास एक एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन किसका आएगा? ईस्ट का। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट क्या होती है अपने पास में? यूनिसेलुलर होती है ईस्ट। जो फंजाई होती है वो अपने पास में यूनिसेलुलर होती है, अपन को ध्यान रखना, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास है, हाँ ये हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी फंजाई होती है वो मल्टीसेलुलर होती है एक्सेप्ट ईस्ट है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाएगा रोट ऑफ ऑरेंज, रोट ऑफ ऑरेंज अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। कुछ एग्जांपल्स है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड फंजाई की वजह से, रोट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज जो गलन होता है ऑरेंज का वो किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। ठीक है, एक अपने पास में रहेगा जो अपन मशरूम खाते हैं, अपन नॉर्मली खाते हैं वो क्या होती है? फंजाई होती है। अपन जो मशरूम खाते हैं वो क्या होती है? फंजाई
फिर अपने पास में एक आ जाएगा टोल स्टूल, टोल स्टूल फंजाई आ जाएगा। तो कैसी होती है? पॉइजनस फंजाई होती है। पॉइजनस फंजाई होती है, ठीक है। टोल स्टूल अपने पास में पॉइजनस फंजाई आ जाएगी, मशरूम फंजाई आ जाएगी, ठीक है। और ईस्ट अपने पास में क्या आ गया? यूनिसेलुलर आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ ईस्ट के एग्जाम्पल के बारे में। देखे तो इसका पोर्शन अभी कहाँ दिया हुआ है, अगर इसके एग्जाम्पल पूछ रहे तो माइक्रोब्स के अंदर है, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर दे रखे हैं। जैसे मोनास्कस प्रोट्यूस आ गया एक अपने पास में ईस्ट है, ठीक है। मोनास्कस प्रोट्यूस आ गया, फंजाई है अपने पास में, ईस्ट तो नहीं बोल सकते, फंजाई है, ठीक है। ईस्ट का अगर अपन देखते हैं तो ईस्ट किस काम आती है? एक तो ग्रेविंग के काम आती है और एक बेकिंग के काम आती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बाहर से, लेकिन बाहर से नहीं है ये। अगर एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, लेकिन अब इस चैप्टर का यहाँ पे जो ईस्ट है वो माइक्रोब्स के अंदर दे रखा है या फिर ह्यूमन वेलफेयर के अंदर दे रखा है। तो ईस्ट का काम आती है तो ब्रीविंग का, ब्रीविंग का मतलब हो जाएगा एल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। एक आ जाएगा बेकिंग, बेकर्स ईस्ट अपन बोल सकते हैं, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेवेरेसी को बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, ठीक है। तो बेकिंग के काम आती है, ठीक है। यहां तक अपना इसका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। फिर अपन बात करते हैं इसकी हैबिटेट के बारे में। ठीक हैबिटेट के बारे में अपन बात करेंगे। जो फंजाई होती है वो मोस्टली कहां पे रहती है या फिर उसकी मैक्सिमम ग्रोथ कहां पे होती है? तो हैबिटेट के अंदर जो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी, जहां पे मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्लाइटली ज्यादा होगा, और मतलब ह्यूमिडिटी कंडीशन होगी, मॉइस्चर जहां पे प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर थोड़ा सा मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर होगा, या फिर उस जगह पे मॉइस्चर होगा जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेरेटिवली हाई है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ग्रो एट ए वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, ठीक है। उसके बाद में नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर फंजाई ग्रो नहीं करती, ठीक है। इसलिए अपन जो भी अपने पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, किससे बचाने के लिए? फंजाई से बचाने के लिए, क्योंकि फंजाई होती है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकती। उसको क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? वार्मर ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली टेम्परेचर ज्यादा और उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, ठीक है। इतना हुआ ही है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। इधर हैबिटेट हो गया, उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे फंजाई की। स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे अपन दो टाइप की स्ट्रक्चर देखेंगे। एक तो देखेंगे थैलस एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। थैलस एंड सेल स्ट्रक्चर, तो पहले अपन कौन से देख रहे हैं? पहले थैलस के स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, ठीक है। जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस, फिलामेंटस होती है और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड और थ्रेड लाइक। यहां पे मतलब क्या हो जाएगा? जो फिलामेंटस होती है, जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। नॉर्मल अगर अपन फंजाई की बात करते हैं तो क्या होता है? इलोंगेट, इलोंगेट का मतलब हो जाएगा वो लंबी होती है, थ्रेड लाइक मतलब हो जाएगा वो धागे जैसी पतली होती है। असल में उसका डायमीटर इतना नहीं होता है, बहुत एकदम जैसे अपना धागा होता है थ्रेड लाइक, उसको बोलते हैं। फिलामेंट मतलब अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर ही होगा, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये फिलामेंट हो गया, इलोंगेटेड हो गया और थ्रेड लाइक हो गया, ठीक है। अगर अपन फिर देखें इसका थैलस स्ट्रक्चर, तो इसका थैलस स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का अपने पास देखने को मिलता है। कौन सा दो टाइप आ जाएगा? एक एक मैं बात करूं सेप्टेट का, उससे पहले एक और बात कि जो फंजाई का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अपन उसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फंजाई, उसको अपन बोलेंगे हाइफी, उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइफी, ठीक है।
इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है। बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज नोन एज हाइफी। बेसिस में मतलब हो जाएगा कि ये सिर्फ एक ही फंजाई, काउंटिंग है ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही फंजाई को अपन क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्रुप ऑफ हाइफी में क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा माइसीलियम ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या बोलूंगा, मतलब बहुत सारी हाइफी हुई है जो फंजाई वो एक साथ इकट्ठा हो गई तो ग्रुप बना लिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, माइसीलियम ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, तो ऐसे हो जाएगा कि ये बहुत सारे हाइफी है, ये एक फंजाई, ये दो फंजाई, तीन फंजाई, चार फंजाई मान लीजिए ठीक है। तो अपन इसको इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे, इंडिविजुअल क्या बोलेंगे, हाइफी ठीक है। अब ये क्या हो गया, इनका ग्रुप बन गया चारों का एक साथ ऐसे ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फिर इसको बोलूंगा मैं माइसीलियम ठीक है। अब इसका जो थैलस होता है वो दो टाइप का आता है अपने पास में, कौन सा दो टाइप का आता है वो देखते हैं। एक आता है अपने पास में सेप्टेट, दूसरा आ जाएगा अपने पास में एसेप्टेट ठीक है। अगर सेप्टेट की मैं बात करूं, इसके अंदर आ जाएगा सेपरेट के अंदर, पहले ये भी बना लेते हैं सेपरेट ठीक है। तो बात करता हूँ सेपरेट और एसेपरेट की ठीक है। तो सेपरेट का मतलब सेप्टा, सेप्टा का मतलब हो जाएगा डिवीजन ठीक है। जो पार्टीशन अपन देख लेंगे यहाँ पे, ये कौन सा पार्टीशन, ये वाला जो पार्टीशन ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सेप्टा, सेप्टा बोलेंगे अपन इसको यहाँ पे ठीक है। तो सेप्टा प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर ठीक है। ये एक एल्गी है, सॉरी फंजाई है ठीक है, जो क्या है फिलामेंट से इलोंगेटेड और थ्रेड लाइक है ठीक है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर लेंथ पे एक इंडिविजुअल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक सेप्टा प्रेजेंट है ठीक है। तो अपन उसको बोलेंगे सेप्टेट, मतलब कि हर सेल का न्यूक्लियस सेपरेट है एक दूसरे से, हर सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से सेपरेट है, तो अपन बोलेंगे इसको सेप्टेट। और ए सेप्टेट का मतलब हो जाएगा इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है, इसके अंदर क्या है, यहाँ बीच के अंदर क्या सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा एब्सेंट है, मतलब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड है ठीक है। न्यूक्लियस का वो जो फ्री मूवमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन कुछ पॉइंट देखते हैं, तो इसके अंदर क्या सेप्टा प्रेजेंट और इसके अंदर अपन बोल सकते हैं एब्सेंट हो जाएगा ठीक है। फिर अपन बोल सकते हैं इसके अंदर, हाँ इसको मैं बोल सकता हूं सिनोसाइटिक में बोल सकता हूं ठीक है। सिनोसाइटिक का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे सेप्टा प्रेजेंट हो गए और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होगा ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिनोसाइटिक बोल सकता हूँ, मतलब सिनोसाइटिक का मतलब हो जाएगा साइटोप्लाज्म है वो इंटरकनेक्टेड है ठीक है, साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड है ठीक है। न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियर, इसके अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होगी और इसके अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी ठीक है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन इसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर दो सेल के बीच में एक सेप्टा है, इसके अंदर दो सेल के अंदर सेप्टा नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में खत्म हुआ। और जो एसेप्टेट होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, अनब्रांच, ऑलवेज अपन नहीं बोल सकते हैं कि ऑलवेज अनब्रांच होते हैं, पर नॉर्मली जो एसेप्टेट फंजाई होती है वो अनब्रांच होती है ठीक है। तो अपने पास में थैलस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, उसके बाद में अपन देखेंगे, एक बार इसको नोट कीजिए, हो गया। आगे अपन देखते हैं, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपने पास में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से जो फिलामेंटस की कैटेगरी में किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा एल्गी,
फंजाई, और अपन बात करें प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस अपन ने लिविंग वर्ड के अंदर भी पढ़ा था एक जगह पे, याद कीजिएगा कहां पे पढ़ा था, ठीक है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस आ जाएगा, ठीक, क्योंकि मॉस के अंदर गैमेटोफाइट होते हैं, वो दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो प्रोटोनिमा होता है, दूसरे को अपन बोल सकते हैं लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा किसको बोलेंगे जो जो रैंक स्टेज के अंदर है, ठीक है, जो इमेच्योर है, और जो सेकेंड स्टेज पे उसको अपन बोलेंगे सेकेंड स्टेज वाले को लीफी स्टेज, ठीक है, तो अपने पास में ये जो है एल्गी फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस आ जाएगा, अपने पास में फिलामेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली मल्टी सेलुलर है, मोस्टली क्या जाएंगे मल्टी सेलुलर आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं अपने पास आ जाएगा फंजाई, फंजाई होती है, ठीक है, कैसी होती है मल्टी सेलुलर एक्सेप्टेड ईस्ट, अपने को पढ़ा था कि ईस्ट कैसी होती है यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, तो फंजाई की इंडिविजुअल यूनिट अपने क्या पढ़ी थी हाइफी, और ग्रुप में अपन ने क्या पढ़ा था माइसीलियम, ठीक है, तो ये फंज इंडिविजुअल वो टुगेदर होके क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे अपने बाद में, जैसे कि माइसीलियम हो गया ये, ठीक है, ये माइसीलियम बना लिया, अब माइसीलियम कैसे खाना खाता है वगैरह अपने मतलब रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करता है, जो भी फूड का पार्टिकल वगैरह हो जाएंगे उसको ये पूरा कवर कर देता है, कवर करके उसको खाता है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बात करूं, कई बार क्या होता है कि जो ये माइसीलियम है ये हवा के अंदर ग्रो हो जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन बन जाती है, ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये तो अपने पास में क्या हाइफी हो जाएगा, माइसीलियम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये भी अपने पास में माइसीलियम है, इसको अपन क्या बोलेंगे थे? जो हवा में ग्रो हुआ माइसीलियम, तो अपन को क्या बोलेंगे एरियल माइसीलियम, एरियल माइसीलियम, ठीक है, हवा में ग्रो होने वाला माइसीलियम को अपन बोलेंगे एरियल माइसीलियम, ठीक है, एरियल माइसीलियम माइसीलियम को, ठीक है, इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी, और इसी फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होगा इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो हवा में ग्रो किया हुआ माइसीलियम अपन क्या बोलेंगे एरियल माइसीलियम, एरियल माइसीलियम का दूसरा नाम अपने पास आ जाएगा फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अपन को क्या मिलेगा स्पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे बने हुए, ठीक है, यहाँ पे इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, मिलेगा उनको स्पोर मिलेंगे जहां से ये फर्दर न्यू इंडिविजुअल बनाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी यहाँ से, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग था इसके अंदर, ये हो गया, उसके बाद बात करते हैं अपन इसके सेल थैलस के स्ट्रक्चर हो गई, उसके बाद बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बातें जो अपन को ध्यान में रखनी है, इसका पिगमेंट फंजाई के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो अपने पास बोलेंगे कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद अपन बात करें क्लोरोफिल की, तो वो क्या होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फिर वो अपना खाना खुद ही बना लेगी, ऑटोट्रोफिक हो जाएगी सनलाइट की मदद से, ठीक है, तो क्लोरोफिल इसके अंदर क्या होता है एब्सेंट है, तभी अपन बोलते हैं कि यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके बाद अपन सेल वॉल की बात करें इसकी, तो सेल वॉल किससे बनी होगी काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, तो अगर इसके अंदर ज्यादा कॉपर कंटेंट मांगे तो मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है काइटिन का होता है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर आपको कई बार ये सिंगल ही मिलता है सिर्फ, ठीक है, कि क्वेश्चन आएगा कि सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ, तो उसके अंदर अगर अलग अलग आते हैं दोनों तो अपन को काइटिन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मिलेगा अंदर काइटिन ही मिलेगा अपन को ऑप्शन में, ठीक है, उसके बाद में एक और बात स्टोर फूड फंजाई होती है वो किस फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर फूड को स्टोरेज करती है, तो उसका क्या हो जाएगा अपने पास में ग्लाइकोजन,
ठीक है, जो कि ह्यूमन के अंदर भी अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म के अंदर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर ही होता है, तो फंजाई के अंदर भी वही सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में स्ट्रक्चर की बात हुई, थैलस का स्ट्रक्चर और सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे इसका न्यूट्रिशन, तो यहां तक नोट कीजिए। हो गया, चलिए आगे अपन देखते हैं। तो यहां तक समझ आया होगा आपको, कौन कौन से पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, देन उसका हैबिटेट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब अपन फोर्थ नंबर पे देखते हैं इसका न्यूट्रिशन, कि फंजाई है वो न्यूट्रिशन कहां से लेके आती है, अपना खाना वाना कहां से बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली अपन एनसीईआरटी की साइड से चले तो अपने पास में फंजाई के अंदर तीन टाइप के न्यूट्रिशन दे रखे हैं अपन को। ठीक है, तो सबसे पहला उसके अंदर आता है अपने पास में जो सबसे मोस्ट कॉमन है, मतलब मान लीजिए 100 फंजाई, अगर 100 फंजाइज हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो 99 है वो या फिर 98 है वो सिर्फ उसी मेथड को फॉलो करेंगे। कौन से मेथड को? सेप्रोफाइट मेथड। ठीक है, सेप्रोफाइटिक जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, मोस्टली फंजाई होती है वो सेप्रोफाइटिक मोड से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, तो बचा दो और कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट हो जाएगा, पैरासाइट क्या करेगा, दूसरे की बॉडी के ऊपर जाके उसको खाएगा। ठीक है, लिविंग बॉडी को खाएगा। सेप्रोफाइट के अंदर क्या होता है, डेड बॉडी होती है, फिर डेड जो भी मटेरियल होता है तो उसके ऊपर जाके उसको खाया जाता है, फिर मतलब उससे जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर अपने पास में तीसरा आ जाएगा, तीसरा कौन सा आ जाएगा, सिम्बायोसिस आ जाएगा, फिर सिम्बायोटिक अपन बोल सकते हैं। सिम्बायोटिक के अंदर जो फंजाई है वो किसी और के साथ में एसोसिएशन बनाएगा, ठीक है, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और वो उसकी हेल्प कर सके, मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं न्यूट्रिशन इसका तीन टाइप का जाएगा, पहले मैं बात करूं सेप्रोफाइटिक मोड। अगर मैं बात करता हूं सेप्रोफाइटिक मोड की, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा समझेंगे अपन इसको कैसे ये गेन वेन करते हैं इसको। तो मान लीजिए कोई डेड सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई डेड सब्सटेंस पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फंजाई आती है, जो मान लीजिए, ठीक है, फंजाई आएगी यहाँ पे डेड सब्सटेंस पड़े, तो ये क्या एंजाइम्स को रिलीज करेगी बाहर, क्या करेगी, एंजाइम्स को रिलीज करेगी। ठीक है, एंजाइम्स को रिलीज करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये अपने पास में यहाँ पे क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, एंजाइम्स रिलीज कर रही है। ठीक है, इसने एंजाइम रिलीज की, किस पर रिलीज की, कोई डेड सब्सटेंस है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो गया फिर कोई नॉन लिविंग हो तो ऑर्गेनिक मैटर, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसको किसके अंदर कर देंगे, सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, और जैसे ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट होंगे तो फंजाई इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो क्या कोई भी डेड सब्सटेंस है, फंजाई उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो देगी, फंजाई है वो उसके उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मोड ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगर दूसरे मोड की अपन बात करें, पैरासाइटिक मोड अपने पास में क्या जाएगा, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं पैरासाइटिक मोड, जैसे फंजाई अपने ऊपर आ गई, अपने यहाँ पे आ जाती है, सर के अंदर आ जाती है, अपने जिसको अपन बोलते हैं डैंड्रफ। ठीक है, वो एक फंजाई के कारण ही होता है। ठीक है, अपन बोलते हैं कि दाद तो रिंग वर्म वगैरह है, ये सारे फंजाई के कारण होते हैं। ठीक है, तो वो पैरासाइट अपन उसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी पे आके, जैसे स्कार्प वगैरह अपने यहाँ पे फंजाई आ जाती है, डैंड्रफ इसी की वजह से आता है, तो रिंग वर्म हो गया, दाद वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसी को अपन पैरासाइटिक मोड बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के ऊपर जाएगा और उसको हार्म करेगा, उसको हार्म करके खुद न्यूट्रिशन लेगा।
तो जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड ह्यूमंस। ठीक है, इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अपन तीसरे मोड की बात करते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड की अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिम्बायोटिक मोड, तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को फायदा, फंजाई को भी फायदा और ये जिसके ऊपर गई है उसको भी फायदा होगा, दोनों को अंदर फायदा। सिम्बायोटिक का मतलब हो जाएगा एसोसिएशन बनाना। ठीक है, दोनों मिलके मतलब साथ साथ में काम करेंगे, सिम्बायोसिस का मतलब हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन बना के काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो टाइप के अपन यहाँ पे ये एसोसिएशन देखेंगे सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा लाइकेंस। ठीक है, लाइकेन की अपन बात करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन होता है लाइकेन के अंदर, लाइकेन के अंदर अपन बात करें तो एक अपने पास में एल्गी होती है, एल्गी के साथ फंजाई होती है, वो रिलेशन में आती है एल्गी और फंजाई। ठीक है, जो फंजाई है वो एल्गी के साथ में एसोसिएशन बनाती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको अपन बोलेंगे लाइकेन। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर जो एल्गी होगी वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, सॉरी गलत हो गया, एल्गी होती है, जैसे कि अपने पढ़ा था कि एल्गी होती है वो मोस्टली ग्रीन एल्गी होती है, वो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा मतलब ये फूड प्रिपरेशन करेगी, फूड बनाएगी, किसके लिए बनाएगी, फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करेगी। मेनली कौन से न्यूट्रिएंट को, फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके एल्गी को देगी, एल्गी क्या करेगी, फूड बना के इसको देगी, मतलब दोनों का बेनिफिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली एसोसिएशन अपने पास में आ गई लाइकेन। दूसरी एसोसिएशन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो क्या जाएगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा की अपन बात करते हैं, माइकोराइजा का, माइकोराइजा क्या हो जाएगा, फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट की रूट्स होगी उसके साथ में एसोसिएशन बनाई गई है। ठीक है, और जनरली जो ये जो फंगल, जो फंगस होती है, ठीक है, वो हायर प्लांट की रूट के साथ में एसोसिएशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से जीनस से रिलेटेड होगी, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो ग्लोमस जीनस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, ग्लोमस जीनस। ठीक है, ग्लोमस जीनस की फंजाई होती है वो मोस्ट ऑफ द फंजाई ऑफ ग्लोमस जीनस आर फॉर्म एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट की रूट के साथ वो एसोसिएशन करती है, कौन सी, ग्लोमस जीनस की। ठीक है, तो यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन खत्म हुआ, यहाँ तक नोट कीजिएगा। हो गया, उसके बाद में अपन इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जनरली अपन बात करते हैं कि जैसे कि मान ले अपन बोलते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जनरली जो लोअर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली अपन क्या बोलते हैं कि एसेक्सुअल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल अपन वेजिटेटिव भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन अपने दो टाइप, मेनली कौन से टाइप के पढ़े हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव को अपन पढ़ा है पर इतना डिटेल में अपन उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, मोस्टली अपन दो ही पढ़ते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर एसेक्सुअल और अपन बोल सकते हैं वेजिटेटिव, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो वेजिटेटिव होता है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको नाम अलग क्यों दिया, उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। कि अगर अपन फंजाई के बारे में बात करें तो इसके अंदर तीन टाइप के रिप्रोडक्शन अपन को मिलेंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ठीक है,
तो अगर मैं वेजिटेरियन की बात अगर उसके बाद वेरिएशंस की बात करूं एसेक्सुअल और वेजिटेरियन के अंदर, तो वेरिएशन के अंदर में ये दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आता एसेक्सुअल के अंदर भी, कोई वेरिएशन नहीं आता। और अगर नया इंडिविजुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बना है तो उसके अंदर भी वेरिएशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये किस बेसिस पे डिफरेंस है, तो डिफरेंट आ जाएगा अपने पास में ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है, उसका होने का मोड क्या है, तो उसके बेसिस पे दोनों डिफरेंट होते हैं। तो अगर अगर मैं बात करूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी प्लांट है, कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका कोई पार्ट है वो कट गया यहाँ से, ठीक है, या फिर डेस्ट्रॉय ये कट गया यहाँ से, कट के अलग हो गया और वो नया स्ट्रक्चर बनाने लगता है, तो उसको अपन बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर प्रॉपर सेल डिवीजन होगा, भले ही वो माइटोसिस ही हो लेकिन प्रॉपर सेल डिवीजन से नया इंडिविजुअल बनेगा, समझे। मियोसिस जनरली एबसेंट होता है इनके अंदर, क्योंकि जो बॉडी होती है लोअर ऑर्गेन्स की वो मोस्टली हैप्लोइड बॉडी होती है, और हैप्लोइड बॉडी के अंदर मियोसिस नहीं होता है। तो मोस्टली अपन एसेक्सुअल की बात करें लोअर ऑर्गेन्स के अंदर, तो क्या होगा उसके वो प्रॉपर सेल डिवीजन से बनेगा उसके अंदर, भले ही कौन सा हो, माइटोसिस हो या माइटोटिक सेल डिवीजन ही हो, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर अपन फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो उसके अंदर तीन आ जाएंगे अपने पास में। पहले अपने पास में बात करें वेजिटेटिव, वेजिटेटिव की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो तीन टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में दे रखे हैं फंजाई के अंदर। एक तो अपने पास हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा अपने पास में आएगा फीजन, तीसरा अपने पास में आ गया बडिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्यों यहाँ पे अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस है तो क्या फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ये ऐसे होती है जैसे अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेगमेंट है वो अलग हो गया यहाँ से, ठीक है, फ्रेगमेंट हो गया इसका, अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर ये फ्रेगमेंट हो गया, ये फ्रेगमेंट होगा, ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट, तो ये ईच फ्रेगमेंट है वो नया नया फंजाई बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग, ये तीन एनसीईआरटी ने अपन को दिए हैं, ठीक है। वेजिटेटिव हो गया, उसके बारे में बात, उसके बाद अगर मैं अगर बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल की बात करूं, ठीक है, तो एसेक्सुअल के अंदर यहां पे क्या होगा, क्या हो जाता है प्रॉपर सेल डिवीजन इनके अंदर होगा बाई प्रॉपर सेल डिवीजन, ठीक है। कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस यहां पे होगा, ठीक है। प्रॉपर सेल डिवीजन माइटोसिस टू फॉर्म स्पोर, स्पोर ही बनेंगे, ठीक है। फंजाई के अंदर ऐसे रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है। और इस स्पोर को अपन क्या बोल सकते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने एसेक्सुअल स्पोर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हो गया अपने पास में कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजिया हो गया, देन उसके बाद में मैं अगर बात करूं कौन सा स्पोर आ जाएगा, कोनिडिया जू स्पोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे स्पोर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को ये तीन दिए हैं, कोनिडिया स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर, ठीक है, अपन को ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। उसके बाद में तीसरे के बारे में अगर मैं बात करूं, तीसरा कौन सा रह गया, सेक्सुअल, ठीक है। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है, वहां पे दो चीजें कंफर्म होगी, क्या कंफर्म होगा, एक तो वहां पे गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अगर गेमेट का फॉर्मेशन हुआ तो ये तो कंफर्म है गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में उनका
जो फर्टिलाइजेशन है ठीक है वो 100% होगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट फॉर्मेशन भी होगा। तो इसके अंदर अपन दो मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, दूसरे अपन बोल सकते हैं जायगोट फॉर्मेशन इसके अंदर होगा ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन और जायगोट फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले गैमेट बन जाएंगे, स्पोर को अपन गैमेट बोल सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो गैमेट हो जाएगा, गैमेट से जायगोट बन जाएगा इसके अंदर ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल अपने को एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, एक आ जाएगा अपने पास में ऊ स्पोर ठीक है, और एक अपने पास में आ जाएगा जायगो स्पोर ठीक है। तो दो अपन को ध्यान में रखने हैं, ओस्पोर और जाइगोस्पोर, एक्सोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरिंगियोस्पोर और ओस्पोर ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बचाइए, अपन थोड़ा सा यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे, तो अपन ने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। भाई भाई स्पोर्ट्स आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स के टाइप देखते हैं अपन ठीक है, स्पोर्ट्स अपने पास में कितने टाइप के हो जाएंगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक तो हो जाएगा, उससे पहले एक बात बता देते हैं कि ये अपने पास में क्या है, माइसीलियम ठीक है, माइसीलियम हो जाएगा, जो हवा में माइसिलियम बन जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बात किया था ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी भी क्या लगते हैं, स्पोर ठीक है। तो अब मैं बात करूं स्पोर्स कितने टाइप के, अपन बात करते रहते हैं एक्जोजीनस और एंडोजिनस, एक्सोजिनस एंडोजिनस। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बताते हैं, कि ये माइसिलियम है और ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन बॉडी आ जाएगा ठीक है। यहां भी अपने पास में माइसिलियम है, यहां भी क्या आ जाएगा, प्रोटीन बॉडी आ जाएगा ठीक है। अब एक्सोजीनस है, एक्सो का मतलब क्या जाएगा, मतलब बाहर, एंडो का मतलब क्या जाएगा, अंदर। यहाँ पे क्या बन गए, स्पोर्स बन गए ठीक है, और स्पोर्स यहाँ पे भी बनेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, इसके अंदर एक कवरिंग होगी बाहर, अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोजीनस मतलब एक कवरिंग के अंदर स्पोर बनेंगे ठीक है, उसको अपन बोल सकते हैं एंडोजीनस, और बिना कोई कवरिंग के बनेंगे सीधे एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में, उसको अपन बोलेंगे एक्सोजीनस स्पोर ठीक है। तो एक्सोजीनस एंडोजीनस स्पोर यहाँ पे अपन ने पढ़ा। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन मोटाइल नॉन मोटाइल ठीक है, मोटाइल नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नॉन मोटाइल किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और फ्लैजिला की बात कर रहे हैं ठीक है। अगर मैं बात करूं मोटाइल की क्या होगा, जैसे कि ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। और बात करूं मैं नॉन मोटाइल की तो इसके अंदर क्या, फ्लैजिला एब्सेंट होगा ठीक है। मोटाइल नॉन मोटाइल अपने पास में ये हो गया। और उसके बाद में एक की और बात करते हैं हम, माइटोटिक एंड मियोटिक स्पोर्स ठीक है, माइटोटिक एंड मियोटिक स्पोर्स ठीक है। तो अपन
ये अपने पास में क्या था, माइसीलियम, ये अपने पास में थी फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे भी माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं माइटोटिक। तो अपने पास में जो माइसीलियम है वो क्या है, हैप्लोइड है। अगर माइसीलियम हैप्लोइड है तो जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो भी हैप्लोइड बनेगी। ठीक है, तो स्पोर्ट भी अपने पास में हैप्लोइड बन गया। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ वो किसके कैसे हुआ, माइटोटिक डिवीजन से हुआ। ठीक है, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, और ये अगर फ्रूटिंग बॉडी हैप्लोइड हो गई तो ये भी अपने पास में क्या आ जाएगा, हैप्लोइड ही बनेंगे। जो स्पोर्ट्स अपने पास में क्या आ जाएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स अपने पास में हैप्लोइड आ जाएंगे। कौन से डिवीजन से बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन से स्पोर बनेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, माइटोटिक स्पोर्स अपन बोलेंगे। ठीक है, अपने पास में क्या, ये यहाँ पे क्या जाएगा, माइसीलियम अपने पास में मान लेते हैं डिप्लोइड है। ठीक है, 2n अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डिप्लोइड है तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या बनेगी, डिप्लोइड बनेगी। लेकिन जो गैमेट होते हैं हमेशा, वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, तो उसको गैमेट्स को हैप्लोइड बनाना पड़ेगा। अगर फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे डिप्लोइड है तो स्पोर भी कैसे बनेंगे, डिप्लोइड ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसको हैप्लोइड बनाया जाता है यहाँ पे कौन से डिवीजन से, मियोटिक डिवीजन से बनाया जाता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके थ्रू डिप्लोइड फ्रूटिंग बॉडी से हैप्लोइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास में तीन टाइप के, एंडोजिनस, एंडोजिनस, मोटाइल, नॉन मोटाइल, और मियोटिक और माइटोटिक। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हो गया, तो एक बस 2 मिनट का टॉपिक और बचा है अपना, ये देख लेते हैं, उसके बाद में कंजाई का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट ही रहेगा अपने यहाँ पे। अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अपने बात करते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पे क्या आएगा, गैमेट भी बनेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, और वहां पे जायगोट भी बनेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से गैमेट भी बनेगा, गैमेट के साथ क्या बनेगा, इसका जायगोट। ठीक है, गैमेट बन के जायगोट का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। ठीक है, तो बेसिकली फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको अपन 3 स्टेप के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप हो जाएंगे। वो 3 स्टेप कौन कौन से होंगे, उनकी मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप अपने पास में जाएगा प्लाज्मोगेमी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे प्लाज्मो का मतलब प्लाज्मा, या फिर अपन साइटोप्लाज्म अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में जैसे कि ये अपने पास में गैमेट है, ये भी अपने पास में गैमेट है। ठीक है, हैप्लोइड गैमेट अपने पास में, गैमेट हमेशा ही हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, इनका फ्यूजन होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ये 2n बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे डाइकेरियोन, और स्टेज को अपन बोलेंगे डाइकेरियोन स्टेज। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी करना सीधा सीधा क्या है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, 2 गैमेट का साइटोप्लाज्म वो फ्यूज हो जाएगा अपने पास में, डाइकेरियोन यहाँ पे बना लेगा। ठीक है, अगर उसके बाद में दूसरे स्टेप की अपन बात करें तो इसके अंदर अपने पास में आ जाएगा कैरियोगेमी। ठीक है, कैरियोगेमी की बात करूं तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गेमी का मतलब हो जाएगा जुड़ना, या फिर फ्यूजन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या जाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस या फिर टू और मोर देन न्यूक्लियस। ठीक है, अपन इसको सीधा सीधा बोलेंगे कैरियोगेमी अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ, पहले स्टेप है ना प्लाज्मा, ये सिर्फ, हाँ सॉरी, एक बात यहाँ पे बताना भूल गया, प्लाज्मा गेमी के अंदर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म या फिर जो साइटोप्लाज्म है वही फ्यूज होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे फर्स्ट कैरियर। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस रहेंगे यहाँ पे डाइकेरियोन स्टेज, अपन इसको बोलेंगे डाइकेरियोन मतलब 2 न्यूक्लियस। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर कैरियोगेमी के अंदर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फिर इनका फ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे स्टेप की, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 2-4 में जायगोट, यहाँ पे जायगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरे स्टेप्स की मैं बात करूं तो तीसरा स्टेप प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन उसके बाद में क्या जाएगा,
हो गया प्लान हो गए में केडीयूके में मियोसिस, ठीक है प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, उसके बाद में मियोसिस आ जाएगा। ठीक है मियोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन का मेथड, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि मियोटिक और माइटोटिक स्पोर्स अपन ने पढ़े थे। ठीक है अपने पास में क्या आ जाएगा, डिवीजन टू फॉर्म स्पोर्स। ठीक है अपने पास में ये तीन से जाके प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी और म्यूसिस आ गया अपने पास में। ठीक है हाँ इन तीनों स्टेप्स के बारे में एक कॉमन बात ध्यान रखें, ये तीनों स्टेप्स स्टार्ट आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, तीनों स्टेप कब स्टार्ट होंगे, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद में ये तीनों स्टेप स्टार्ट होंगे यहां से। ठीक है प्लस में कैरियोगेमी और म्यूसिस। ठीक है अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन होगा वो क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि डाइकेरियन स्टेज आती है वो कब बनती है, ठीक है फिर कौन सी प्रोसेस के बाद बनती है, तो अपन क्या आंसर देंगे प्लाज्मोगेमी के बारे में। ठीक है दूसरा अपने पास में क्या जाएगा, जायगोट कब बनता है, तो अपन क्या बोलेंगे कैरियोगेमी के बारे में बनता है। ठीक है इसके बाद में अपन बोलेंगे कि पूछेंगे स्पोर कब बनते हैं, तो अपन बोलेंगे मियोसिस प्रोसेस के बारे में स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है तो ये यहाँ पे फंजाई का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है और उसके बाद अपन फंजाई का जो मेन टॉपिक है कितने टाइप्स की फंजाई वो डिवीजन है वहाँ पे, एस्कोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज वगैरह, ठीक है उनका डिस्कस करेंगे अपन शॉर्ट में करेंगे अच्छे से, ज्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे, बेसिक जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं उनको अपन देखेंगे। तब तक के लिए बाय।